नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे फिल्म लाल सिंह चड्ढा वर्सेज फिल्म रक्षाबंधन। आज तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन करने जा रही है और 2 दिनों का इनका टोटल कलेक्शन कितना हो गया, कौन सी फिल्म किस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। अक्षय कुमार वर्सेज आमिर खान, लाल वर्सेज लाला। लाल वर्सेज लाला मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान का नाम लाल सिंह चड्ढा है, मतलब लाल है, और रक्षाबंधन में अक्षय कुमार लाला केदारनाथ के रोल में है, मतलब लाला। लाल वर्सेज लाला कौन जंग जीतने वाला है, दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर पिटने वाली है, या अभी इन दोनों फिल्मों के लिए कुछ उम्मीदें बाकी है, इन सब के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं लाल सिंह चड्ढा के बारे में। दोस्तों लाल सिंह चड्ढा की ओपनिंग केवल 12 करोड़ रुपए की रही थी इंडियन नेट कलेक्शन, क्योंकि दोस्तों इसका कारण ये है कि आमिर खान ने अपनी पिछली गलतियों से सबक बिल्कुल भी नहीं सीखा है, ऐसा लगता है फिल्म देख करके। जिस प्रकार से उन्होंने पीके फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था उससे उन्होंने नहीं सीखा, इस फिल्म में फिर से उन्होंने हिंदू सेंटीमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की है। जब वे एक सीन में ये कहते हैं कि पूजा पाठ करना मलेरिया फैलाने के समान है, इससे मलेरिया फैलता है और इससे दंगे होते हैं, तो फिर से उन्होंने अपनी जो पुराना एजेंडा है उसी को फिर से यहाँ पे लाने की कोशिश की है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि पीके फिल्म में जिस सीन में वो भगवान का अपमान करते वहां पर लोग तालियां पीटते थे, क्योंकि उस समय लोगों को इतनी समझ नहीं थी, वो समझते नहीं थे कि यहाँ पे दरअसल दिखाया क्या जा रहा है, किस प्रकार से हमारी सभ्यता संस्कृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अब लोग काफी जागरूक हो गए हैं, अब वे हर एक सीन को समझते हैं कि इनके पीछे क्या एजेंडा है, कौन से एजेंडे को ये आगे बढ़ाने वाले है और इनके पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है। इन सभी बातों को आज की जनता बहुत ही भली भांति समझने लग गई है, तो अब लोग इस तरह की हरकतों को माफ नहीं करते। इतना नहीं, लाल सिंह चड्ढा में जो भारतीय सेना का जो अपमान किया गया, एक तरीके से मैं इसको अपमान नहीं कहूंगा, क्योंकि कम आईक्यू वाले व्यक्ति को किस प्रकार से सेना में शामिल किया जाता है और किस प्रकार से फिर वो कारगिल वार में मतलब भाग लेता है। इसके अलावा एक पाकिस्तानी आतंकवादी की महिमा का वर्णन किया गया है, महिमा का गुणगान किया गया, उसकी महिमा को मंडित किया गया है कि एक आतंकवादी भी अच्छा इंसान है और उसको माफ कर दिया जाता है। तो कई तरह की बातें इस फिल्म में दिखाई गई है, मतलब जो कि दर्शकों के गले कतई नहीं उतरती है, और ये मतलब एक तरीके से सेना का मनोबल गिराने वाली बात हो गई, और इसके लिए FIR भी दर्ज कराई जा चुकी है, मैंने आपको अपने एक वीडियो में जानकारी दी थी। तो दोस्तों आमिर खान पिछली गलतियों से सबक लेने को तैयार ही नहीं लगते हैं, अब अगर तैयारी नहीं होंगे, आप गलतियों से सीखेंगे ही नहीं, तो फिर तो दोस्तों देश की जनता कब तक आपको माफ करती रहेगी। आपकी फिल्म के खिलाफ पहले से ही बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा चलाया जा रहा था, तो कम से कम ये फिल्म तो आपको डंकी बनानी चाहिए थी, कम से कम ये फिल्म तो देश की जनता की भावनाओं को ख्याल में रख करके एक देश से प्रेरित देशभक्ति से परिपूर्ण फिल्म बनाई जानी थी। लेकिन बॉलीवुड वालों की आदत हमेशा आतंकवादी का महिमा मंडन करेंगी है, तो इन्होंने इस फिल्म में भी कर दिया है। तो इस फिल्म का क्या हाल होने वाला है ये आपके सामने है, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होने वाली है, इस फिल्म को कोई नहीं बचा सकता, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले दिन का कलेक्शन रहा था 12 करोड़ रुपीज। दोस्तों दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा मात्र 7.44 करोड़ रुपीज, इतना ड्रॉप, मतलब करीब 38% का ड्रॉप फिल्म के कलेक्शन में दूसरे दिन देखने को मिली। यहाँ तक कि 1300 शोज फिल्म के रिड्यूस करने पड़े एग्जीबिटर्स को, ये हालत थी, दर्शक थिएटर्स में जा ही नहीं रहते देखने के लिए फिल्म को, चारों तरफ फिल्म का विरोध हो रहा है, हालत ही हो गई। तीसरे दिन आज फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी सी ग्रोथ जरूर होने वाली है, लेकिन यह ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है, ग्रोथ मतलब कि 9 से 9.5 करोड़ तक। जो थिएटर ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून तक की मेरे पास रिपोर्ट है उसके अनुसार फिल्म 9 से 9.5 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है। अब अगर इवनिंग शोज और नाइट शोज में अगर थिएटर ऑक्यूपेंसी बढ़ती है तो ये कलेक्शन 10 करोड़ तक जा सकता है, और अगर घटती है तो ये कलेक्शन 9 करोड़ रुपए भी आ सकता है। मतलब कुल मिलाकर के अगर कहे तो लाल सिंह चड्ढा का 3 दिनों का जो कुल कलेक्शन है वो करीब 29 करोड़ रुपीज के आसपास रहने वाला है, इंडिया नेट कलेक्शन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। फिल्म का बजट है 180 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आप ही सोचिए कि आमिर खान जैसे सुपरस्टार की फिल्म 4 वर्षों के बाद में आ रही है, उसका 3 दिनों का कलेक्शन, वो भी हॉलीडेज छुट्टियों के दौरान, 30 करोड़ रुपए के आसपास, क्या कहेंगे आप इसको। अभी भी अगर ये नहीं समझते हैं, नहीं सुधरते हैं, तो फिर तो दोस्तों क्या होने वाला है इनका, आप सब जानते ही है। तो दोस्तों अब इस फिल्म के पास आज का दिन और कल का दिन और परसों का दिन और है कि कुछ ये कलेक्शन ग्रोथ कर सके, अदरवाइज दोस्तों मंगलवार को तो फिल्म की पोल सामने आ ही जाएगी। मंगलवार को हर फिल्म का, मतलब हर फिल्म का तो नहीं, इन फिल्मों का, रक्षाबंधन का तथा लाल सिंह चड्ढा का लिटमस टेस्ट होने वाला है, क्योंकि 15 अगस्त तक हॉलीडे है, तो तब तक तो ये वैसे भी फिल्म कुछ न कुछ कलेक्शन करती रहेगी, लोगों की छुट्टी है, उनके पास काफी टाइम रहता है, मंगलवार से पता चलेगा फिर फिल्म का क्या होने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल लाल सिंह चड्ढा का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है, और जल्दी ही
इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि अधिक से अधिक ये कितना कलेक्शन कर पाएगी। दोस्तों बात करें अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन के बारे में, तो रक्षाबंधन भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। पहले दिन इस फिल्म का कलेक्शन बहुत ही कम आया, मतलब कि पूरे साल भर में जितनी भी फिल्में अक्षय कुमार की रिलीज हुई है उसमें सबसे लोवेस्ट ओपनिंग इस फिल्म को मिली है। जबकि ये फिल्म रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर रिलीज की गई है, रक्षाबंधन पर ही फिल्म बनी है, बहन भाई के प्यार पर आधारित है। इसके बावजूद जबकि फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं, पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं, इमोशनल फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, इसके बावजूद फिल्म का पहला दिन का जो कलेक्शन है वो मात्र 8.20 करोड़ रुपीज इंडिया नेट रहा है। जबकि बच्चन पांडे का तथा सम्राट पृथ्वीराज का भी इससे कहीं ज्यादा कलेक्शन रहा था। हालांकि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में और ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला, फिल्म का कलेक्शन रहा मात्र 5.70 करोड़ रुपीज इंडिया नेट और करीब 30% का ड्रॉप रहा। जहां तक आज की बात करें तो आज इस फिल्म के भी कलेक्शन में ग्रोथ होने वाली है। ग्रोथ कितनी होती है? अच्छी ग्रोथ हो रही है। लाल सिंह चड्ढा के मुकाबले अच्छी ग्रोथ इस फिल्म के कलेक्शन में आज देखने को मिलने वाली है। आज इस फिल्म का कलेक्शन करीब 8 करोड़ रुपए से 8.5 करोड़ रुपए के आसपास रहने वाला है। और अगर इवनिंग शोज और नाइट शोज में ऑक्यूपेंसी बढ़ती है तो ये 9 करोड़ भी जा सकता है। मतलब आज लाल सिंह चड्ढा तथा रक्षाबंधन के बीच में, लाल तथा लाला के बीच में, अक्षय तथा आमिर के बीच में एक कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको बता दूं लाल सिंह चड्ढा को रक्षाबंधन से ज्यादा स्क्रीन मिली है, करीब 1000 स्क्रीन ज्यादा मिली है पूरे देश भर में। शोज भी लाल सिंह चड्ढा की ज्यादा है। इसके बावजूद अगर रक्षाबंधन अगर लाल सिंह चड्ढा के कलेक्शन के करीब भी आज पहुंचती है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रक्षाबंधन एक फैमिली एंटरटेनर मूवी है, तो हो सकता है आज दर्शक इसको देखने जाए अक्षय कुमार के प्रति उतनी नाराजगी नहीं है जितनी नाराजगी आमिर खान के प्रति लोगों में है। तो ये एक रक्षाबंधन को इसका फायदा मिलेगा। हालांकि इसके खिलाफ भी बॉयकॉट अभियान चलाए जा रहा है, क्योंकि इसकी जो लेखिका है कन्निका ढिल्लो, उसने भी हिंदू विरोधी कई ट्वीट्स किए थे। हालांकि उन ट्वीट्स को तुरंत डिलीट कर दिया गया था, लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव जरूर फिल्म के ऊपर पड़ा है। और जो बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान चल रहा है वो तो डेफिनेटली मतलब दोनों फिल्मों को अफेक्ट कर ही रहा है, जिसको कई बड़े बड़े जो ट्रेड पंडित है, बड़े बड़े यूट्यूबर है, वो मानते नहीं है। वो कहते हैं क्या बॉयकॉट रहता है, कुछ नहीं होता। लेकिन रियलिटी यही है दोस्तों, बॉयकॉट बॉलीवुड का असर सभी फिल्मों पर पड़ रहा है बॉलीवुड की, और इन पर भी बढ़ना लाजिमी है। और इनके ऊपर तो अलग से भी फिर ये अभियान चलाया जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं, मतलब 15 अगस्त तक देखते हैं इन फिल्मों की क्या स्थिति रहती है। 15 अगस्त के बाद में इन फिल्मों के बारे में स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि फिल्म फ्लॉप होने वाली है, सुपर फ्लॉप होने वाली है, डिजास्टर होने वाली है। लेकिन इतना तय है कि हिट होना अभी इन दोनों ही फिल्मों का संभव नजर नहीं आ रहा। हालांकि रक्षाबंधन का बजट 70 करोड़ रुपए से 80 करोड़ रुपए के आसपास है, लाल सिंह चड्ढा का बजट 180 करोड़ रुपए है। तो लाल सिंह चड्ढा तो किसी भी हालत में बॉक्स ऑफिस पर मतलब हिट नहीं होगी, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। रक्षाबंधन के लिए अभी थोड़ा सा एक आउटसाइड है, चांसेज है, अगर फिल्म इन 3 दिनों में थोड़ा अपना कलेक्शन सुधार लेती है तो ये नजदीक जरूर पहुंच सकती है, अपने बजट के आसपास जरूर पहुंच सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।